हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लॉयल क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा था स्विट्जरलैंड के संविधान पर। स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत हमारा कार्यपालिका कंप्लीट हो चुका है मित्रों। और इसके अलावा आज का हमारा सेशन है, किसी ने मित्र ने कमेंट किया था, तो उस कमेंट की उस डिमांड के आधार पर ही मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। दोस्तों, तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम देखेंगे कि स्विट्जरलैंड के संविधान और ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन के संविधान के साथ में स्विट्जरलैंड के संविधान की तुलना करेंगे, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान की। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान और स्विट्जरलैंड का संविधान और ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। तो और दोस्तों, हम ब्रिटेन और अमेरिका के साथ में स्विट्जरलैंड के संविधान की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के साथ तुलना करके हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस इसके अंदर है और क्या क्या समानता है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब इसको लाइक कर दीजिए। यार दोस्तों, लाइक करने में आपको बिगड़ता कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करने में आपको प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बना रहता है, और इसी प्रकार से जब भी आपकी जो भी डिमांड होती है उस डिमांड के आधार पर दोस्तों मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करता रहता हूँ बीच बीच में अपने सेशन को रोक करके। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास है ये भी उस दोस्त को समर्पित है जिसने मुझे कमेंट में लिखकर भेजा था कि सर तुलनात्मक अध्ययन पर एक क्लास लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों उसी आधार पर मैं आज का ये लेक्चर 20 लेकर आया हूँ। लेक्चर हमारा 20वां होने वाला है इसके अंतर्गत, जिसमें हम ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान की तुलनात्मक अध्ययन के रूप में इस क्लास को देखने वाले हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने एक सेशन में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमारे इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, बीए सेकेंड ईयर की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों, इसमें हमारा राजनीति विज्ञान बीए सेकेंड ईयर का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है इतिहास को लेकर के। ठीक है, और अगर इतिहास से पहले आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान कंप्लीट होने के बाद में कोई और सब्जेक्ट आप अगर स्पेशली पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में राजनीति विज्ञान के बाद में कौन सी क्लास हम स्टार्ट करें। ठीक है, इसके बाद में बीए फर्स्ट ईयर का दोस्तों बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और साथ ही साथ में आपको एक बात बता दूं कि जो बीए थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट है, जो भी जिनका भी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम भी अब अनाउंस होने वाला है, तो एग्जाम अनाउंस होने वाला है उसकी टेंशन भी अभी बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंटों को लगी हुई है, और उनके द्वारा भी कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि हमें कोई लेक्चर प्रोवाइड कीजिए बीए थर्ड ईयर का। ठीक है, तो बीए थर्ड ईयर का दोस्तों मैंने आज से ही क्लास स्टार्ट कर चुका हूं, और इस लेक्चर के जस्ट बाद में बीए थर्ड ईयर में सबसे पहला हमारा लेक्चर होने वाला है इकोनॉमिक्स पर, अर्थशास्त्र पर, जिसमें हम बात करेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की। हमारा वो पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को आज की। इसमें हम बात करेंगे तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे ब्रिटेन, ब्रिटिश कार्यपालिका और अमेरिकी कार्यपालिका के साथ हम स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की तुलना करेंगे। और इसमें अब देखिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा, जिससे कि मैं आपका एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दूं जिससे आप समझ सके, जहां कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, मैं 4 संविधान के 4 देशों के व्यवस्था के बारे में बात करूंगा सबसे पहले। सिर्फ 2 मिनट अच्छे ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने ये 2 मिनट अगर आपने अच्छे समझ लिया दोस्तों, आगे की पूरी क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 20-30 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी है, और इसमें ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है आज का। इस पर पूरा ब्रिटेन का संविधान आपका जो है रिविजन होने वाला है, साथ में अमेरिका के संविधान का रिवीजन होने वाला है, और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड के संविधान की कार्यपालिका में जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका भी पूरा रिवीजन अभी इसी सेशन में होने वाला है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि 4 व्यवस्थाओं के बारे में, 4 किसी भी देशों की व्यवस्था के बारे में। तो हम उस 4 व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और इंडिया। दोस्तों इन 4 देशों के नाम बार बार बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि इन 4 देशों को लेकर के मैं तुलना करता रहूंगा। ब्रिटेन अमेरिका के साथ में स्विट्जरलैंड की तुलना तो करना हमारा सेशन ही है, कि इसमें हमें इस तुलना करना ही है। इसके अलावा
इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत का जो संविधान संवैधानिक जो व्यवस्था है उसकी बात मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के संविधानिक व्यवस्था का हमें कुछ नॉलेज पहले से है। ठीक है, तो अब जरा सुनिए, संसद की अगर जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, तो ब्रिटेन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, संसदीय व्यवस्था वो होती है जिसमें जनता अपने नेताओं को प्रत्यक्ष रूप से चुनकर संसद में भेजती है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं प्रतिनिधि। वो प्रतिनिधि जाकर के संसद में बैठते हैं और वो अपने अनुसार सरकार का गठन करके वो सरकार चलाते हैं। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, अध्यक्षात्मक अर्थात जिस प्रकार से अमेरिका की शासन व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है दोस्तों। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि संसद जो होती है वो एक अलग ही बॉडी होती है, वहीं एक अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति होता है और उसके पर्सनल कुछ मंत्री होते हैं जिसके माध्यम से वो सरकार चलाता है। तो ये हो जाती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अध्यक्ष को विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद को विशेष शक्तियां प्राप्त होती है, ना कि राष्ट्रपति को। क्या ये दो बात समझ आई आपको, है ना? ठीक है, अब यही देखिए कि संसदीय शासन व्यवस्था जो ब्रिटेन की है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो अमेरिका की है, दोस्तों इन दोनों का मिश्रण करके ही स्विट्जरलैंड के शासन व्यवस्था निर्मित हुई है। दोनों की जो जो विशेषताएं थी उन दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है। जिस प्रकार से हमने अपने संविधान में, हमने अर्थात इंडिया के संविधान में दोस्तों लगभग विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उनसे जो उनकी अच्छी जो विशेषताएं थी वो हमने अपने संविधान में मिश्रित की है, उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के संविधान में भी संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण किया गया है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब समझिए, अब हमारा जो ये सेशन है तुलनात्मक अध्ययन वाला दोस्तों, तुलनात्मक अध्ययन में हम ब्रिटेन की तुलना स्विट्जरलैंड के संविधान से क्यों कर रहे हैं, इसका एक विशेष कारण है। ब्रिटेन के संविधान से करने का अर्थ होता है कि संसदीय व्यवस्था के साथ में हम स्विट्जरलैंड की व्यवस्था का अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी इसकी में समानताएं होगी और कौन कौन सी इसमें असमानताएं होगी। ठीक है, तो एक बार हम स्विट्जरलैंड के संविधान का, एक बार हम संसदीय व्यवस्था के साथ में तुलना करके देखेंगे और वहीं उसके बाद हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के साथ भी तुलना करके देखेंगे कि इनके बीच में कौन कौन सी समानता है और कौन कौन सी असमानता है। ये बात क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों अभी तक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत तो हम ब्रिटेन की कार्यपालिका की बात करेंगे और वहीं जब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात आती है तो वहां पर हम अमेरिका की बात करने वाले हैं। ओके, ये क्लियर अभी तक का? ठीक है, अगर ये 2 मिनट की मेरी बात अगर आपको क्लियर है तो आगे के सेशन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संसदीय व्यवस्था के साथ तुलना की। संसदीय व्यवस्था के साथ तुलना के अंतर्गत स्विट्जरलैंड के संविधान में दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे समानता को। जब भी हम तुलना करते हैं, देखिए एक बात आप विशेष करके ध्यान दिया करें कि जब भी हम कोई चीज देख रहे होते कि एक्चुअली क्या हम बीए के स्टूडेंट हैं, बीए के छात्र हैं दोस्तों, बीए के सिलेबस जो है ना, इस बीए के सिलेबस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में जब हम उनका जब अध्ययन करते हैं तो दोनों तरफ से हमको सोचना पड़ता है, उसके लिए पक्ष और विपक्ष, यानी सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों दृष्टि से ही सभी टॉपिकों को दोनों दृष्टिकोण के माध्यम से ही उनको पढ़ना होता है, समझना होता है। तुलना का अर्थ भी यही होता है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ यही होता है। तो तुलनात्मक अध्ययन में जब हम संसदीय शासन व्यवस्था की स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के साथ तुलना कर रहे हैं तो इसमें भी हम एक पक्ष देखेंगे समानताओं का और एक पक्ष देखेंगे असमानताओं का। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं समानताओं के बारे में कि इनके बीच में समानताएं कौन कौन सी, कि ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत समानताएं कौन कौन सी है दोस्तों। तो समानताओं का हम एक एक पॉइंट करके और इनको समझने का प्रयास करते हैं। बस ध्यान पूर्वक क्लास को सुनते रहिए आप, पूरा क्लियर मैं कर दूंगा दोस्तों। और मैं इतना प्रॉमिस करता हूं आपसे कि एक बार अगर आपने पूरे कॉन्सेंट्रेट लगा करके अगर ये लेक्चर देखा है तो चाहे दुनिया की कोई सी भी किताब आप एक बार पढ़ना, एक ही बार पढ़ने में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ आता चला जाएगा। कहने का मतलब ये कि कोई भी देखिए लेक्चर आप क्यों लेते हैं, क्लास हम क्यों अटेंड करते हैं किसी की, ताकि पूरा जो टॉपिक होता है, जो एक टॉपिक पूरा दोस्तों बहुत लेंदी होता है,
उसको समझने के लिए जब भी कोई टीचर होता है ना, तो उस पूरे टॉपिक को एक समग्र, एक छोटे से रूप में लाकर के आपके सामने इस प्रकार से रख देगा और उसको इस तरह समझा देगा पूरे एक साथ ही। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो भी थॉट्स होते हैं ना, वो पूरे क्लियर हो जाते हैं कि हमें किस, मतलब कि पूरा टॉपिक किस बेस पर बना हुआ, किस आधार पे। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी टॉपिक बुक में होता है 225-30 पेज के लगभग सकती वो टॉपिक होता है, और जब हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो 10 पेज पहले हमने क्या पढ़ा था क्या पता है ना, आगे हम क्या पढ़ने वाले कुछ पता नहीं, बस हमें यह पता होता है कि इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण से आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर हम इसीलिए लेकर आते हैं ताकि सारा टॉपिक एक साथ क्लियर होते चला जाए। और इस पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला, उसका एक विशेष कारण है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखता है, और इसके बाद में हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, वो भी हम लगाएंगे आखिरी में, लास्ट में। ठीक है, चलिए अब हम समानताओं की बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था और ब्रिटिश कार्यपालिका यानी ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था के बीच में क्या समानता है, उन समानताओं की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, समानताओं क्या क्या समानता है। ठीक है, सबसे पहले एक बात देखिए, जब हमने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां एक संसद होती है और एक सम्राट होता है। ब्रिटेन के संविधान जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि एक संसद होती है और एक सम्राट होता है। संसद जनता के द्वारा चुनकर आती है, वहीं सम्राट वंशानुगत होता है, याद होगा आपको। ठीक है, और जब हमने स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका पढ़ी दोस्तों, तो हमने वहां पर भी देखा कि 7 सदस्यों की एक समिति होती है जिसे सरकार बोला जाता है। ठीक है, उस 7 सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो वही जो स्विट्जरलैंड में जो 7 सदस्यों की समिति होती है, उनमें जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वही राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से ब्रिटेन में जो सम्राट होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता, सबसे पहली, माफ कीजिएगा, सबसे पहली जो समानता है दोस्तों, सबसे पहली जो दोनों व्यवस्थाओं में समानता देखने को मिलती है हमको, वो समानता देखने को ये मिलती है कि ब्रिटेन का सम्राट और स्विट्जरलैंड का अध्यक्ष, दोनों के पास में जो शक्तियां होती है ना, वो सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, वो औपचारिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान नहीं होते, अर्थात वास्तविक शक्तियां इनके हाथों में नहीं होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही है दोस्तों। पहले पॉइंट हमने देखा कि ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश सम्राट और स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष दोनों के पास में नाम मात्र की शक्तियां होती है और ये औपचारिक प्रधान मात्र होते हैं, औपचारिक प्रधान मात्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं कि सदस्य दोनों सदनों की बैठक करते हैं। एक सेकेंड, दोस्तों देखिए, संसद संसदीय बैठक में, संसद में जो बैठक होती है, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो संसद में बैठक होती है, उसी प्रकार से एक संसदीय रूप स्विट्जरलैंड में भी आपको देखने को मिलता है, जिसे हम संघीय सभा बोलते हैं। ठीक है, तो संघीय सभा में ही दोस्तों कानूनों का निर्माण होता है। ठीक है ना, वही मंत्रिमंडल, जो एक मंत्रिमंडल कौन होता है, जिसमें विशेष मंत्री होते हैं जो कानून निर्माण का कार्य करते हैं या विशेष शासन का संचालन करते हैं। ठीक है, तो एक समानता यहां पर यह देखने को मिलती है कि इन दोनों के जो सदस्य होते हैं, किस किस के किस किस सदस्य, राष्ट्रपति के सदस्य और है ना, और अध्यक्ष के सदस्य, ये दोनों सदस्य दोस्तों सदनों की बैठक कर सकते हैं, दोनों सदस्य सदनों की बैठक करते हैं। एक सेकेंड, दोनों सदस्य सदनों की बैठक करते हैं और बजट के निर्माण में भी अपना सहयोग देते हैं। बस सिंपल सी बात यह है कि अध्यक्ष और राष्ट्रपति, संघीय सम्राट, दोनों के जो सदस्य होते हैं, उनके जो मंत्रीगण होते हैं, वो मंत्रीगण दोनों ही सभाओं में बैठते हैं, दोनों के मंत्रीगण सभा में बैठते हैं और कानून निर्माण में अपना सहयोग करते हैं, सहयोग देते हैं। कानून निर्माण अर्थात कि जैसे कि जो कुछ प्रस्तावित करना होता है ना, इस प्रकार से, और साथ में जो बजट निर्माण होता है दोस्तों, वित्तीय शक्तियां इनको प्राप्त है, हमने पढ़ा था इसी कार्यपालिका के अंतर्गत, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के अंतर्गत हमने देखा था कि इन्हें कुछ वित्तीय शक्तियां प्राप्त है, इसके अंतर्गत ये बजट निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से दूसरी समानता क्या हमको देखने को मिलती है कि दोनों के सदस्य जो है बैठक में भाग लेते हैं, सदन की बैठक में भाग लेते हैं और साथ ही साथ में ये बजट निर्माण में भी सहयोग करते हैं। ठीक, तीसरा जो समानता, इसमें तीसरी समानता देखने को मिलती है, तीसरी समानता के अंतर्गत दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन संघीय सभा से होता है।
अब देखिए यहां जरा ध्यान दीजिए, चाहे संसदीय सदन हो या स्विट्जरलैंड का संघीय सभा हो, दोनों के जो मंत्रीगण होता है दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होता है, उसका गठन कहां से होता है? तो संसद से ही होता है ना, संसद के सदस्यों में से ही दोनों का गठन होता है। इसको दोस्तों, इस पॉइंट को आप विशेषकर याद रखिए, क्योंकि इसके साथ में एक छोटा सा डिफरेंस भी है। जब हम असमानता पढ़ेंगे तो असमानताओं में भी एक छोटा सा डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा इस पॉइंट को लेकर के, ठीक है। बस इतनी बात याद रखिए कि दोनों के मंत्रिमंडल, दोनों के मंत्रियों का जो गठन होता है वो संसद के सदस्यों में से ही होता है, ठीक है। बस इतना, सदस्यों में से होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट है कि संघीय सरकार मंत्रिमंडल के समान संसद एक समिति मात्र होती है। संघीय सरकार मंत्रिमंडल कहने का अर्थ यह है कि चाहे वो सम्राट का मंत्रिमंडल हो, चाहे वो अध्यक्ष का मंत्रिमंडल हो, दोनों ही मंत्रिमंडल दोस्तों एक समात्र समिति की तरह है। और वैसे तो स्विट्जरलैंड में तो विशेषकर स्पेशली नाम ही दे दिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ समिति है, ठीक है, समिति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, क्या ये चार पॉइंट क्लियर दोस्तों? इसके बाद में हम मूव करेंगे असमानताओं के बारे में। क्या समानता क्लियर हो चुकी है? चारों पॉइंट पूरी तरह से क्लियर है? अगर ना हो तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वापस से आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम असमानताओं के बारे में। असमानताओं की जब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, ओके, ये दोस्तों हम देखते हैं असमानताओं के बारे में। असमानता संसदीय शासन व्यवस्था और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी असमानता है, इसमें भी लगभग हमारे 5 से 6 पॉइंट है, उसको जरा आप समझेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए, ब्रिटिश संसद की जब आप बात करते हैं, ब्रिटिश संसद और इधर हम देखेंगे, बात करेंगे स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड की व्यवस्था, एक सेकेंड, कलर यार व्हाइट लेते हैं, फिर व्हाइट तो है ही ना, इसको रख लेते हैं। असमानताओं के अंतर्गत ब्रिटिश संसद में दोस्तों विधायिका के सदस्य मंत्रिमंडल से आते हैं, यदि बिना सदस्य के मंत्री बनने पर 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होती है। आप इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा से लैंग्वेज टफ है, क्या होता सुनिए। ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत जो मंत्री होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मंत्रीगण, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी पॉइंट आएगा दोस्तों, बस उसको अगर आप क्लियर हो जाएगा तो आपके ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत जब हमने विधायिका पढ़ी थी, जब मंत्रीगण पढ़ा था, तो उस समय ये बातें क्लियर हो चुकी थी। लेकिन अगर हो सकता आपने वो लेक्चर ना देखा हो, या फिर आपने वो सेशन, मतलब वो जो चैप्टर है वो चैप्टर ना पढ़ा हो, तो यहां पर भी आपका वो कवर होता चलेगा साथ साथ में। ब्रिटेन की जो संसद होती है, संसद के जितने भी मंत्री होते हैं दोस्तों, उनमें एक प्रावधान है। वो प्रावधान ऐसा है कि जो भी सदस्य होंगे, जो मंत्रीगण होंगे, वो संसद से ही आएंगे, ठीक है, संसद से आएंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, मानते हैं हम कि ऐसा व्यक्ति है कि जो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद ने उसको एक विशेष मंत्री बना दिया है। राष्ट्रपति जो सम्राट है, राष्ट्रपति है, उसने एक विशेष अध्यक्ष, विशेष मंत्री बना दिया है, कोई प्रभार उसको सौंप दिया है, ठीक है। अब उसको मंत्रिमंडल के अंतर्गत लेके मंत्री बना दिया, लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा प्रावधान ये किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री बना दिया गया है, तो उसके लिए प्रावधान ये किया गया है कि वो 6 महीने के अंतर अंदर के अंदर, जब मंत्री बना, उस मंत्री पद को धारण करने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। क्लियर है? इसका अर्थ यह हुआ कि संसद का सदस्य दोस्तों, की मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए, अर्थात मंत्री होने के लिए, उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। अगर संसद का सदस्य वो नहीं है तो उससे 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी, ठीक है ना, ये क्लियर है।
लेकिन जब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में, स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका की बात करते हैं दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड की विधायिका के अंतर्गत मंत्री बनने के लिए, अब ध्यान दीजिए हमने समानताओं में क्या पढ़ा था कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो कहां से आते हैं, विधायिका संघीय सभा से आते हैं, ठीक है ना, अर्थात संसद से आते हैं। तो जब वो सदस्य संसद से आ रहे, देखिए ब्रिटेन की जब हमने बात की तो हमने देखा कि भाई सभी सभी मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं सबके सब ब्रिटेन संसद से आ रहे हैं, वो संसद के सदस्य होते हैं वो, ठीक है ना। उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के संविधान, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी, शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी जो मंत्रीगण होते हैं वो संघीय सभा के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो मंत्री गण होते हैं वो मंत्री दोस्तों, जैसे ही वो मंत्री बनता है वो संघीय सभा की जो सदस्यता होती है ना वो खो बैठता है, अर्थात कि मंत्री बनते ही उसके संघीय सभा अर्थात संसद की सदस्यता होती है वो समाप्त हो जाती है उसकी, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस कितना हो गया कि ब्रिटेन की जब हमने बात की थी तो वहां क्या देखा था कि अगर संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी, लेकिन स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ऐसा है कि अगर वो संघीय सभा का सदस्य है और वो मंत्री बन चुका है तो जिस दिन मंत्री बनेगा उसी दिन से उसका पद संसद में रिक्त माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा। क्लियर है, पहला डिफरेंस तो ये हो चुका है। नेक्स्ट डिफरेंस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत, ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत जो उसके मंत्री होते हैं दोस्तों, वो सभी मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व आप समझते होंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये होता है कि अगर संसद के मंत्रिमंडल के द्वारा कोई कानून निर्माण किया जा रहा है, विधायिका में कोई कानून निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, तो उस कानून निर्माण में हो सकता है कि कुछ कमियां हो, ठीक है, तो उस कमी को लेकर के कोई एक मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि सभी मंत्री उत्तरदायी होंगे, ठीक है। तो जहां सभी मंत्री उत्तरदायी हो किसी के प्रति, उसी को सामूहिक उत्तरदायित्व बोला जाता है, ठीक है ना। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत, तो जब हमने देखा था कि जो 7 सदस्य होते हैं, जो 7ों मंत्री होते हैं, उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, 5 अन्य मंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो सभी दोस्तों किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं रखते हैं, मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं वो, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि सभी 7ों को, समिति के 7ों जो सदस्य होते हैं सभी को बराबर बराबर अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो सभी को बराबर अधिकार होते हैं। सभी को बराबर अधिकार होने के कारण ही जो समिति के जो अन्य सदस्य होते हैं अध्यक्ष को छोड़ करके, वो अध्यक्ष के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते हैं बल्कि वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, इस कारण से व्यक्तिगत उत्तरदायी दायित्व की भावना उनके अंतर्गत होती है, ठीक है। तो दोनों, ब्रिटेन में सामूहिक उत्तरदायित्व और स्विट्जरलैंड में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में मंत्री सामान्यतः एक ही दल से आते हैं, और दोस्तों ये बात तो मैंने आपको स्विट्जरलैंड के संविधान कार्यपालिका पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे समझाया भी था। क्या समझाया था कि जो सात सदस्य आते हैं समिति के, जो अध्यक्ष के जो अन्य सदस्य होते हैं, वो सभी 7ों सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन देखिए ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जो सदस्य आते हैं, जो मंत्रीगण आते हैं, वो सामान्यतः किसी न किसी एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो पार्टी जीत के बहुमत में आती है वो अपनी सरकार बनाती है, और वो सरकार बनाती है तो दोस्तों वो अपने मंत्री किसको बनाएगी, अपनी ही पार्टी के लोगों को बनाएगी ना, किसी ऐसा तो नहीं किसी और को मंत्री बना देगी। जैसे भाई अगर हम भारत की बात करें तो कि बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है और वो कांग्रेस के मंत्रियों को उठा उठा करके मंत्री पद सौंप दे, तो ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता, असंभव है ये तो, ठीक है। तो यही भावना जो है ब्रिटेन में भी यही पाई जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड की जब बात करते हैं दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जो 7 लोगों की जो समिति होती है, जो मेन शासन का संचालन करती है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करती है, और अगर करती भी है तो जरूरी नहीं है कि 7ों सदस्य एक ही राजनीतिक पार्टी से हो। 7ों सदस्य कई पार्टियों से हो सकते हैं, एक से हो सकते हैं, दो से, सॉरी एक से तो हो ही नहीं सकते हैं, 2 से 4 से 6 से 7 से कितनी भी पार्टियों से वो लोग आ सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत
कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो जो मंत्री कार्य करते हैं ना, वो गोपनीयता के आधार पर कार्य करते हैं। गोपनीयता का आधार क्या होता है दोस्तों? अभी हमने देखा था कि सारे मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत फॉलो करते हैं, ठीक है। इस कारण से वो जो भी कार्य करते हैं ना, वो सारे कार्य गोपनीय आधार से किए जाते हैं, गुप्त आधार से किए जाते हैं, उनको ओपन नहीं किया जाता है, ठीक है। जब तक वो कानून न बन जाए तब तक उसको ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत, स्विट्जरलैंड के शासन व्यवस्था के अंतर्गत, तो वहां पर सातों सदस्यों को बराबर पावर होती है। इसी कारण से वो किसी के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं, इसलिए तो चूंकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व रखते हैं वो लोग, इस कारण से वो जो कार्य करते हैं ना, वो एक ओपन बिहेव में करते हैं, ओपनली करते हैं, वो गोपनीय रूप से कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। फाइव एंड लास्ट जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के अंतर हम देखते हैं मंत्रिमंडल का दोस्तों कार्यकाल जो होता है संसद के विश्वास पर निर्धारित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई है संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, और अपने आप में एक टॉपिक का महत्व रखता है, एक अपने आप में एक टॉपिक है ये। कौन सा? कि जो मंत्रिमंडल होता है दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद के विश्वास पर कार्य करता है। अब ये विश्वास क्या होता है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी है ना, कि भाई विश्वास क्या हो जाएगा, ये संसद का विश्वास क्या होता है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या होता है, तो जरा इसके ऊपर एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुन लीजिए। हम मान लेते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, जैसे हम भारत की ही बात करते हैं, भारत में हम दो पार्टी को सबसे पहले उठाते हैं, कांग्रेस और बीजेपी को। दोनों पार्टियां चुनाव में भाग लेती है, ठीक है। अब इसमें एक पार्टी बहुमत में आ जाती है, कोई सी भी एक पार्टी मान लीजिए, जैसे बीजेपी मान लीजिए कि बीजेपी बहुमत में आ चुकी है, बीजेपी ने आकर के सरकार बना ली। अब हम मान लेते हैं, सिर्फ मान रहे हैं ना, गेस करिए, मान लीजिए कि 100 सीटें टोटल लोकसभा में है। अब मैं इसका मुद्दा निपटाऊ लोकसभा राज्यसभा का फिलहाल, बस इतना मान लीजिए कि 100 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 100 में से 51 सीटें किसको मिल चुकी है, बीजेपी को मिल गई है, और 49 49 सीटें किसको मिली, कांग्रेस को मिली। ध्यान दीजिए कितनी 49 सीटें कांग्रेस को मिली है। तो दोस्तों ज्यादा सीटें किसके पास में है, बीजेपी के पास में, तो सरकार किसकी बन जाएगी, बीजेपी की बन जाएगी। चलिए ठीक है, अब मान लीजिए कि बीजेपी ने संसद में गई और अपने शासन की घोषणा कर दी है ना, शासन घोषणा कर दी और जो है अपने सरकार वो उन्होंने प्रारंभ कर दी चलाने, अपना जो है शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से क्या होता है कि 2 या 4 महीने बाद में अचानक से क्या होता है कि बीजेपी के दो सांसद मान लीजिए आपकी, बीजेपी के दो सांसद बीजेपी पार्टी को छोड़कर के कांग्रेस में चले जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के पास में ऑलरेडी कितने सांसद थे, अर्थात कितनी सीटें थी, सांसद अर्थात सीटें याद रखिए, तो कितनी सीटें थी, 49 थी, ठीक है, और बीजेपी के पास कितनी थी, 51 थी, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि 6 महीने बाद, 4 महीने जब भी है ना, लेकिन उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले अगर बीजेपी के दो सांसद कांग्रेस पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, तो अब ऐसे में कांग्रेस के पास में कितनी सीट हो गई दोस्तों, 51 हो चुकी है, 49 थी, दो और मिला दीजिए कितनी हो गई, 51 हो गई, लेकिन बीजेपी के पास कितनी बची है, 49 बची है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि कांग्रेस की तरफ से एक आवेदन आएगा संसद में, और आवेदन आएगा और वो कांग्रेस बोलेगी कि भैया जो भी बीजेपी वाले जो भी शासन चला रहे, जो प्रधानमंत्री जी है या मंत्रिमंडल है, उनको बोलिए कि संसद में आए और अपना विश्वास जो है दिखाए, विश्वास दिखाए है ना। तो एक विश्वास पत्र जो है वहां पर पेश होता है संसद में। विश्वास शो करने का अर्थ होता है कि आप संसद में दिखाइए कि आप आज भी बहुमत में हैं, ठीक है। अब जब वो बीजेपी वाले आएंगे है ना, और वो दिखाएंगे, तो उनको शो करना होगा कि उनके पास अभी भी कितने सीटें हैं, और जब उनको मालूम चलेगा कि उनके पास सिर्फ 49 सीटें बची हुई और कांग्रेस के पास 51 हो गई हो चुकी है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी है ना, और कांग्रेस सरकार आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों विश्वास प्राप्त होना या ना होना, विश्वास प्राप्त है। अब ऐसे में मान लीजिए कि कांग्रेस वालों जो दो सांसद कांग्रेस तरफ गए थे,
वो सिर्फ नाम मात्र से गए थे। उन्होंने बोला था कि ठीक है भैया, एक काम कीजिए, आप विश्वास पत्र को जो है आप पेश कीजिए संसद में, और हम वहां पर उस समय बीजेपी का साथ नहीं देंगे। उन्होंने ऐसा फैक्चुअली बोल दिया था, ठीक है। लेकिन जब वहां विश्वास प्राप्त करने के लिए संसद में सब इकट्ठे हुए, और जब बीजेपी के जो भी मंत्रिमंडल था उसने जब ये दिखाने का प्रयास किया, उसने बताया कि भाई हमारे पास में इतने सांसद है, उस वक्त जो दो सांसद निकल के जा रहे थे कांग्रेस तरफ, उन दोनों ने भी स्पष्ट बोल दिया कि नहीं भैया, हम तो बीजेपी में ही रहेंगे, हम किसी कांग्रेस में नहीं जाने वाले हैं। तो फिर से क्या हुआ कि बीजेपी के पास में वही 51 थी, ठीक है, बीजेपी के पास में 51 और कांग्रेस के पास में, एक सेकेंड, यस ओके। तो इस स्थिति में मान लीजिए अगर वो ऐसा दोनों सांसद कांग्रेस तरफ जाने से मना कर देते हैं तो वापस से बीजेपी की सरकारी बन जाएगी, अर्थात विश्वास प्राप्त तो हो जाएगा वापस से, ठीक है। तो यही पॉइंट दोस्तों यहां पर बताया गया है कि मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल है ना, वो संसद के विश्वास पर आधारित निर्धारित होता है, संसद के विश्वास पर ही निर्धारित होता है कि संसद में जब तक मंत्रिमंडल अपना विश्वास प्राप्त करके रखेगा तब तक उसकी सरकार रहेगी, और जिस दिन उसका विश्वास खो देगा संसद में उस दिन उसकी सरकार गिर जाएगी, वो उनको पद से जो है हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंतर्गत दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको बता चुका हूं कि 7 लोगों की समिति होती है, उसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, और वो किसी भी राजनीतिक दल से कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होके आते हैं, डायरेक्ट चुन करके आते हैं, इस कारण से वो किसी के प्रति को जवाबदेह नहीं होते हैं, ठीक है। क्या दोस्तों ये जो पूरा कंपैरिजन था ये आपको क्लियर हो चुका है? अब मुझे बताइए कि संसदीय शासन व्यवस्था, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था क्या आपको पूरी तरह क्लियर हो चुकी है? इसमें दोस्तों अब ये हमारे पास देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में तो हमने तुलना कर चुके हैं, और अभी लगभग लगभग 30 मिनट के समथिंग हो चुकी है क्लास। अगर हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान के बारे में दोस्तों, अमेरिकी शासन व्यवस्था अर्थात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था की जब हम तुलना करने जाएंगे तो ये मान लीजिए लगभग लगभग 20 मिनट इसमें और लगने वाले हैं। तो क्या किया जाए, क्लास यही रोक दी जाए, नेक्स्ट लेक्चर में बात कर ले अमेरिकी संविधान की, अमेरिकी और स्विट्जरलैंड की तुलना की, ना मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा लेक्चर अगर अभी इसको कंप्लीट करने जाएंगे तो, लगभग 5-6 स्लाइड और भी है शायद, देख लेते हैं, ज्यादा है दोस्तों, ज्यादा स्लाइड हो जाएगी, लगभग आधा घंटा और भी हमको हो सकता है क्योंकि अभी इसमें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाने हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्लास को यही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू आपका, और इसी प्रकार से कमेंट करते रहिए, जो भी आपकी डिमांड है मुझे बताते रहिए, मैं आपके लिए बिल्कुल हाजिर होता रहूंगा उस टॉपिक को लेकर के, और साथ में प्लीज यार इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स में, अगर इसके थोड़ा से व्यू बढ़ेंगे और कुछ लाइक बढ़ेगा थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन में दोस्तों, कि आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं मैं कि एक पीपीटी को बनाने में ना 3 से 4 घंटे मुझे लगते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों, बहुत कम से कम एक लेक्चर में आपको लगता होगा कि शायद ये 30 मिनट का लेक्चर है, लगभग लगभग 30 मिनट में कम्प्लीट